सोमवार को क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर सेंटा क्लॉज ने दिया गोरखपुर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश। गोरखपुर के स्थानीय बच्चों ने सेंटा क्लॉज का रूप धारण कर नगर निगम का रिक्शा लेकर, जिसमें डस्टबिन रखा हुआ था, सीतापुर अस्पताल से होते हुए बाल विहार, गोलघर होते हुए विभिन्न चौराहों पर जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही लोगों से कूड़े को डस्टबिन में डालने की अपील की और भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने का संदेश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दीक्षा श्रीवास्तव और सेंटा क्लॉज बने राजेश यादव ने कहा, जाम प्रयास किया जा रहे हैं पूरा। रुकना, अभी रुकना, एक मिनट रुकना। दीक्षा श्रीवास्तव जी, हम लोग एक बहुत ही साधारण सा संदेश दे रहे हैं जो पता सबको होता है पर लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। अब भारत को स्वच्छ रखना, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आम नागरिक की जिम्मेदारी है। तो यही संदेश हम इन लोगों को दे रहे हैं कि कैसे अपने शहर को और अपने देश को स्वच्छ रखें। हमने सीतापुर आई हॉस्पिटल के पास किया था, हमने इंदिरा बाल विहार से शुरू किया और अभी हम और आगे जाएंगे, हम लोग सिटी मॉल तक और उसके आगे जाएंगे। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इससे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से। जो है मैं सेंटा क्लॉज आज कल 25 दिसंबर है उसके पूर्व संध्या पे आम जनमानस को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें, जिससे कूड़ा कूड़ेदान में डालें ताकि हमारा शहर स्वस्थ रहे, जिससे हमारा जो है आम जनमानस विकास की तरफ अग्रसर हो और शहर का अपना जो है मान गौरव बचा रहे। और यही हमारी एक आम नागरिक से उम्मीद है, अपील है। ये कार्ड जो है ये इस नगर निगम के ठेले से चलते हुए हमने जो है एक शहर में बांटा है, लोगों को दिया है और अभी ये कल भी बटेगा कि लोग जो है अपने शहर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और स्वच्छ भारत मिशन को सहयोग करें।